आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संदीप पाठक ने जींद जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता व वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन भी मौजूद रहे। पाठक ने बताया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा सफल रही। इसके बाद 28 जनवरी को जींद में बदलाव रैली होगी। इस रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर कहा कि हरियाणा में स्कूल और कॉलेजेस में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रतिदिन बच्चियों और महिलाओं पर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में दूसरे नंबर का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। दिन में हर दिन 4 से 5 मर्डर हो रहे हैं, दिन में 4 से 5 बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, हजारों की संख्या में डकैती भूत बैठी सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा क्या हो गया इस सरकार के रहते कि हरियाणा में इतनी असुरक्षा का माहौल हो गया। हमारी माताएं बहनें शाम ढलने के बाद या किसी भी टाइम आसानी से चल के रोड पे नहीं चल पा रही है, ऐसा क्या हो गया? तो सरकार की पूरी तरीके से नाकामी है, और नाकामी मैं नहीं कहूंगा, नाकामी तो बड़ी छोटी शब्द हो जाएगी, ये पाप है, एक तरीके से पाप। पूरे राज्य में असुरक्षा की भावना पैदा करना और उसको सानिध्य देना, उनको बढ़ावा देना, ये पाप है और जनता माफ नहीं करेगी, बदलाव जरूर लेकर आएगी। तो हरियाणा में सीटों पर आप दावा कर रहे हैं सर, अब ये तो इनकी जब मीटिंग होगी गठबंधन की तभी तय होगा, और मुझे लग रहा है अगले 1-2 दिन में मीटिंग शुरू होने वाली है तो उसमें तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितनी मिलनी चाहिए 10 में से, आप कहां 5 से 4 से 3 से कहां? देखो आज हमें ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए आज हम इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पार्टी इम्पोर्टेंट, देश इम्पोर्टेंट है। देश को बचाने के लिए, देश में कानून व्यवस्था को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम अपने तरफ से सारी मदद करेंगे।